पंजाब 2016 तो लैके 2022 तक एक टारगेट किलिंग दे नाल खास करके हिंदू समाज को नपन की कोशिश की जा रही है। पंजाब च डराया धमकाया जा रहा है जिस तरीके पहला 84 तो लैके 92 का जो अतवाद का संताप साढ़े 35,000 पंजाबियों ने साडे बजुर्गों ने पंजाब की बहादुर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स ने जरा झेलिया वो अतवाद को दोबारा पंजाब के लिया एक बहुत व्डे पद्धर के उत्ते साजिशा जड़िया पाकिस्तानी प्रस्त या देश विदेश बैठे जड़े पंजाब को तोड़ने लिए काम कर रही लगातार ताकतवान उन्होंने वालों किया जा रहा। लेकिन उस दे नाल मैं समझदा पंजाब के अंदर शिवसेना के नाल संबंधित कुछ नाम रख के एक दर्जन तो दो दर्जन तो नहीं 3 दर्जन तो भी वध संगठन बन गए है वो कि शैल्टर से बने हैं वो असी अज प्रशासन को पूछ आए सी ते बार बार जिहड़ा सवाल एक चुकिया जाता कि शिवसेना जिहड़ी सिक्योरिटी लिए काम करती है साडी पंजाब की तमाम लीडरशिप अज समेत साडे पंजाब के प्रधान श्री योगराज शर्मा जी और लुधियाने की जिन्हें भी पंजाब की लीडरशिप मेरे नाल अमर टक्कर जी मनोज टिंकू जी गौतम सूद जी रजिंदर भाटिया जी और तमाम आगुआ ने आपकी सुरक्षा आके अज लुधियाने के माणयोग पुलिस कमिश्नर साहब न वापस करती है। तो असी अपना दर्द यह भी बयान किया कि असी खुद इस गलों दुखी हाँ कि जेडे पंजाब दे विच आए दिन बयानबाजी करके पंजाब दे भाईचारे नूं खराब करन दे लई कोई लोग तुले है इन्हां दे उपर नकेल कसी जाए। दूसरा जिहड़े ओह कट्टरपंथी जिहड़े साडे नौजवानां नूं जिहड़े पहले ही जिहड़ा साडा नाल दा जिहड़ा मुल्क है पाकिस्तान वो नशे वल तोर रहा है उन्होंने हथियारा चुकन की जी प्रेरणा दे रहे हैं तो अज नौजवान गुमराह होकर पंजाब च वड्डे पद्धर ते कतलेआम कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानी की गल है तो अफसोस की गल है कि पंजाब दे विच एडा वड्डा फतवा जारी करके जिहड़े असी सरकार नूं चुणिया मुख्यमंत्री साहब कह रहे कि यह तो छोटिया मोटिया गल्लां तुसीं नाल दे सूबियां वल देखो इस तो वड्डे क्राइम है। बड़ी हैरानी की गल है कि असी दिल्ली मॉडल की गल करते सरकार लियाण तो पहला कि शिक्षा वड्डे पद्धर ते जाएगी जिहड़ी आ जिहड़ी चिकित्सा जिहड़ी आ वड्डे पद्धर ते जाएगी लेकिन हुण जिहड़ा क्राइम है वह वड्डे पद्धर वल भी जाऊगा। यूपी बिहार वल दी मिसालां दे रहे हैं अपनी जिम्मेदारी तो भजन तक बड़ा शर्मनाक जरा बयान सीएम साहब ने दिता उस बयान की आलोचना करते हुए असी अज तमाम शिव सैनिकों ने जिहड़ा साडा मूल मंत्र सीगा अतवाद वेले भी कि शिव शक्ति का जाप करेंगे अपनी रक्षा आप करेंगे दे तहत अपनी अपनी सुरक्षा जिहड़ी है वापस देती है। हुण असी अपनी जिहड़ी भी कारगुजारी है चाहे वह धर्म के प्रचार प्रसार की है या देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है वो असी जमीनी पद्धर से उस तरीके रखांगे। असी अपनी सिक्योरिटी वापस दे आए जी उत्थे उन्होंने दसता भी तुहाडे हैंडओवर करती है तुहाडे सामने तो खाली जावांगे। हुण सरकार नूं असी तुहाडे माध्यम नाल कहता क्योंकि जो साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने गल कहती है एक टोक के कि छोटिया मोटिया गल्लां ते शिव सैनिकां दे जो बार बार कुछ पत्रकार वीर भी उंगल चकदे आ कि सिक्योरिटी नहीं सब कुछ हो रहा असी तां अज अपने शिव सैनिकां ने अपनी मां दे दुध पीते हुंदा सबूत देता। हुण देखना यह होएगा कि पंजाब दे सीएम साहब ने भी क्या आपकी मां दा दुध पीता वो भी हुण बगैर सिक्योरिटी तो क्या पंजाब की कली कली गली दे विच एक गड्डी च घूमदी है ताकि जिहड़ा उन्हां दा एक बयान है कि पंजाब दे अंदर अमन शांति भाईचारे वाला माहौल बनिया वो लोगों के विश्वास जित पाते हैं। उन्होंने भी मेरी बेनती है तुहाडे माध्यम नाल कि तुसीं भी एक गड्डी च निकलो भी जिवें कल तुसीं लुधियाणा च आए सीगे ते 14 जिलों की पुलिस लवानी पै गई तुसीं भी हुण पंजाब दे कली कले गली कूचे दे विच सिंगल गड्डी च गेड़ा कढो ते पंजाब दे लोकां दा विश्वास जिहड़ा वह जितो कि वाकई पंजाब दे विच शांति वाला माहौल है। जी बिल्कुल असी सीपी साहब नूं अपना दर्द दसता कि साड़ा कोई जिहड़ी बयानबाजी नाल लैणा देना नहीं है जिहड़ियां शिवसेना दे नाम ते बणियां जथेबंदियां या जिहड़े अमृतपाल वर्गे लोग है इन्हां दोवां दे खिलाफ जो भी प्रशासन कार्रवाई करदा क्योंकि असीं तां प्रमाण दे रहे हां लगातार पता नहीं मीडिया क्यों इस गल्ल नूं नहीं दिखाती कि शिवसेना दे विच फर्क क्यों नहीं पैदा कर रही डिफरेंस जिहड़ा वा 2 साल पहलां तो असी 6 जून जिहड़ा एड्डा वड्डा इक दिहाड़ा जिहड़ा पंजाब दे अमन भाईचारे नूं नुकसान पहुंचांदा असी 2 साल पहले ही उस गल दे लई शिवसेना बाल ठाकरे ने ऐलान करता जी तुहाडे सारयां दे विच कि असी इह जिहड़ा कार्यक्रम निरस्त कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं। दूसरा जे पटियाले दे विच 29 अप्रैल नूं हरीश सिंह नां दे व्यक्ति ने पंजाब नूं अग लाने की कोशिश की उन्होंने भी असी 2 मिनट नहीं लाए पार्टी तों कढ़न लई 2 दिन पहलां जे गुरदासपुर तो एक साडी पार्टी का आगू सी हरविंदर सोनी जे उन्हें दरबार साहब बारे माड़ी टिप्पणी की जिहड़ा पूरे दुनिया के हिंदू सिखां दा आराध्य स्थान है असी उदों भी 2 मिनट नहीं लाए पर जिहड़े बाकी लोग जिहड़े बयानबाजी कर रहे लगातार किसी ना किसी धर्म नूं टारगेट कर रहे हैं उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बाकी कौन ने बाकी तो चैनल की रोज देखते हैं कोई भी उठता है किसी भी धर्म के बारे असं क्यों देंगे लिस्ट प्रशासन के सब कुछ बहुत है तो चैनल सब कुछ आ रहे हैं जिम्मे असं देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। चड्ढा साहब अपनी पार्टी को सही कह रहे हो कहते कि साड़ी पार्टी सही है मैं अपनी अपने आप सही कह ही नहीं रहा मैं कदों कह रहा कि मैं दुधा तुलिया वा मैं तो भी गल रख रहा कि बयानबाजी सही है प्रशासन तय करे मैं कदों कह रहा कि मैं सही है तो गलत ने जिहड़े लोग माहौल खराब कर रहे हैं चाहे वह कट्टरपंथी ने
चाहे कुछ शिवसेना के नाम नाम रख के संगठनों के शिवसेना खत्म करते तुले आ। सानू तो यह लगता है कि बहुत वड्डियां राजनीतिक ताकत जिहड़ियां ने वो पंजाब दे विच शिवसेना खत्म करने के लिए लगी हैं, जो असीं बिल्कुल कदे बर्दाश्त नहीं करांगे। उही तो बेनती की है जी असीं कि जिहड़ा उठदा अपने आप नूं राष्ट्रीय प्रधान दसदा ते इक नवीं शिवसेना क्रिएट कर लैंदा ते उहनूं शैल्टर कीदा, सरकार ते प्रशासन ही वॉच करेगा ना जी। हुण जी उन्होंने बिल्कुल अश्योर किया कि वह साडियां जिहड़ियां गल्लां ने पंजाब दे सीएम साहब नूं ते डीजीपी साहब तक पहुँचाउणगे ते असीं अगों भी जिहड़ा इह तुहाडे माध्यम दे नाल समें समें सिर यह हूँ जो सही पोलिटिक्स है पंजाब की शिवसेना जो सही मूल मंत्र है सबनों जोड़न वाला सारे धर्मों की इज्जत करने वाला वो तुहाडे सामने लगातार पेश करांगे। सिक्योरिटी असीं इत्थे छड़ती जी, अज्ज असीं छड़ती जी, उन्हों प्रशासन का काम तो उन्होंने कहना, तुहानूं उन्हां कोल तुसीं पुछ सकदे। मेहरबानी जी, धन्यवाद।